चना दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चना दाल ली, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया। सुबह मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से उबली हुई चना दाल है। चना दाल को अपने बहुत अच्छे से उबालना है ताकि पीसते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तब हम इस चना दाल को पीस लेते हैं। तो चना दाल को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने एक जूसर जग लिया है, इसके अंदर हम चना दाल ऐड करेंगे। तो एक बार में जितनी चना दाल आएगी हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और चना दाल को पीसने के लिए हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो बिना दूध के भी इसको पीस सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपका जूसर पीसता है तो। लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ ताकि इसको पीसते हुए मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो इसको हम कवर करेंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं जब तक इसका पेस्ट नहीं बन जाता है तब तक। तो यहाँ पर हमने चना दाल को पीस लिया है, तो इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन गया है। इसको हम परांठ के अंदर ऐड करेंगे। तो एक दफ़ा वाली दाल पीस के मैंने परात में ऐड कर लिया, और इसी तरह हम बाकी की सारी दाल को पीस के रख लेते हैं। तो यहाँ पे सारी दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, तो अब हम इसका हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। 1 किलो दाल के लिए 1 कप ऑयल इसके अंदर जाएगा। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, घी में ये हलवा ज़्यादा बेटर बनता है, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी कि आप घी यूज़ कीजिएगा। हमारे घर में घी से बनी हुई चीज़ कोई भी नहीं खाता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ये पता होगा, इसलिए मैं ये हलवा ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे ये पीसी हुई दाल। दाल ऐड करने के बाद हम दाल को अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम हम यहाँ पे स्टार्ट में हाई ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको मीडियम या लो फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, और इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। बस आपने ये करना है कि लगातार इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये पैदे में ना लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते हुए, दाल में अच्छे बबल बन रहे हैं, उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद भून लेते हैं। दाल को भूनते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। तो स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव चीनी यूज़ कर रही हूँ 1 किलो दाल के लिए। तो आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद हलवा जो है वो हमारा दोबारा पतली कंसिस्टेंसी में चला जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट होती है। तो यहाँ पर अब हम चीनी ऐड करने के बाद इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये हलवे की फॉर्म में नहीं आ जाता है। फ्लेम आप मीडियम या हाई जितनी भी रख सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा हलवा बहुत अच्छे से ठीक हो गया है, इसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जब भी ये ऐसा हो जाए तो इसकी फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और इसकी हम बर्फियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बर्फियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है, इस परात के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इससे बड़ी वाली परात भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बर्फियाँ जो है वो थोड़ी पतली बनानी है। तो जितनी साइज़ की आपको इन्हें बर्फियाँ बनानी है उतना आप इसको बारीक फैला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से फैला देंगे, और ये चम्मच से अच्छे से फैल नहीं रहा, तो मैंने चमची की साइड पर हल्का सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से फैला दिया है। ऊपर हम गार्निश करेंगे इसके अंदर पिस्ता कटे हुए, आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। पिस्ता डालने के बाद हम पिस्ता को अच्छे से चम्मच की मदद से सेट करेंगे ताकि ये हलवे के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और इसको सेट करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हलवे को। और यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस हलवे को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, बल्कि आपने इसको पंखे के नीचे रख के अच्छे से ठंडा होने देना है। चाहे आपको कितनी ही देर क्यों ना लग जाए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं पंखे के नीचे। तो यहाँ पर हलवा हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, सेट हो गया है पंखे के नीचे, और मैंने सुबह से रखा हुआ इसे, और अब तकरीबन मगरब का या इशा का टाइम हो गया, इसे इतनी देर लगी है ठंडा होने में। तो आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है पंखे के नीचे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बर्फी निकाल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से इसकी बर्फी जो है वो निकल रही है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी है। मैंने इसको ऑयल में बनाया इसलिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट इसका टेस्ट अमेजिंग है। तो आप इसको घी में बनाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चना दाल की बर्फी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है, और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट, कितनी यमी बनी है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये सबसे पहली बाइट जो है वो आप लोगों के लिए है। तो आई होप आप लोगों ने आज की इस मज़ेदार सी, सिंपल सी, यूनिक सी, टेस्टी सी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।